Subscribe to Ada247 and press the bell icon to never miss another update. हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से Ada247 में। और आज के सेशन की बात करते हैं। जितने भी स्टूडेंट पुराने हैं उनको तो बेहतर पता है कि सेशन में स्पेशली हम 600 MCQs को टारगेट कर रखे हैं जो कि लास्ट 6 महीने के हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो कि नए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, 13 क्लासेस हमारी क्लियर हो चुकी हैं। आज 14th क्लास है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 MCQs का हम डिस्कशन करेंगे। चलिए बढ़ाते हैं सेशन को। उससे पहले मेरा एक प्यारा सलाम आप सभी को, फटाफट से लिंक को शेयर करना और स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी में स्क्रीन को फुल रखना। Who has won the women's single title of the French Open 2019? किसने फ्रेंच ओपन 2019 का महिला एकल का खिताब जीता है? आंसर बनता है एस्ली बार्टी। एस्ली बार्टी के द्वारा जीता गया। पूरी लिस्ट दिखा दूंगा मैं आपको, कौन कौन से ओपन हुए, उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हैं उन सभी का डिस्कशन करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। Who has won the men's single title of the French Open 2019? अभी इसका वुमेन सिंगल का टाइटल देखा था, ये आगे यहाँ पर मैन सिंगल का टाइटल। एंड इट हैज़ बीन वॉन बाई दी राफेल नडाल। ये किसके द्वारा जीता गया? ये जीता गया था राफेल नडाल के द्वारा, जो रहा था ये सेकंड ग्रैंड स्लैम ऑफ 2019। देखो बेसिकली 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड वन फ्रेंच ओपन, थर्ड वन विम्बलडन ओपन और लास्ट वन यूएस ओपन। ये 3 हो चुके हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, ऑस्ट्रेलियन हो चुका है, फ्रेंच हो चुका है, विम्बलडन हो चुका है। एग्जाम में इसका ऑर्डर पूछा जाता है, ऑर्डर क्या है तो AFWU आपको याद रखना है। प्लस दूसरा सवाल बनता है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन ये किस कोर्ट पे खेले जाते हैं? ये हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच ओपन ये आपका क्ले कोर्ट पे खेला जाता है और विम्बलडन ओपन ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। आई होप सो गाइस क्लियर होगा यहाँ तक, ठीक है। और जो सेकंड ग्रैंड स्लैम रहा था फ्रेंच ओपन, ये कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। ये ओवरऑल लिस्ट रही है। अभी रिसेंट में एग्जाम में यहाँ से सवाल भी बना है तो इस लिस्ट को याद कर लिए। देखो इसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन और विम्बलडन ओपन। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन का मैन सिंगल का टाइटल जीता है इन्हें नोवाक डी जोकोविक ने जीता है और विम्बलडन ओपन का भी इन्हीं ने जीता है, नोवाक डी जोकोविक। तो अब इसमें आपको इन दोनों के नाम तो याद रख सकते हैं ना कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो नोवाक डी जोकोविक है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विम्बलडन ओपन जीता है, और फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता था राफेल नडाल ने, ठीक है। और वुमेन सिंगल की बात करें तो नाओमी ओसाका के द्वारा जीता गया था ऑस्ट्रेलियन ओपन, सेकंड फिर एस्ले बार्टी ने, अभी मैंने आपके साथ जो एमसीक्यू डिस्कस किया उन्होंने फ्रेंच ओपन जीता, और विम्बलडन ओपन अभी सिमोना हालेप ने जीता है जो कि रोमानिया की हैं। आई होप सो गाइस ये दोनों ही आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वॉज कन्फर्ड विद दी विच कंट्रीज हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑर्डर ऑफ डिस्टिंग्विश रूल ऑफ इजुद्दीन। बड़े गौर से सुनेगा, किस देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ इजुद्दीन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है? आंसर बनता है मालदीव्स। मालदीव की कैपिटल माले है, करेंसी यहाँ रुपया चलती है। म्यांमार कैपिटल नाइपिदो है, करेंसी यहाँ कियात चलती है। नेपाल काठमांडू है, करेंसी यहाँ रुपी चलती है। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, करेंसी यहाँ पर टका चलती है। भारत की बांग्लादेश के साथ एक एक्साइज होती है, इसका नाम है संप्रति। नेपाल के साथ होती है सूर्य किरण और मालदीव के साथ होती है ई कोविरिन। जरा कोई मुझे बताएगा कि भारत की क्या म्यांमार के साथ भी कोई एक्साइज होती है? हरी अब गाइस, क्या भारत की म्यांमार के साथ भी कोई एक्साइज होती है? ओके, ओके, ई कोविरिन, बहुत बढ़िया। नहीं, मेरा जो सवाल है बड़े, आपने शायद सुना नहीं, मैंने पूछा है क्या भारत की एक एक्साइज म्यांमार के साथ भी होती है? अगर भारत की म्यांमार के साथ एक्साइज होती है तो उसका नाम क्या है? ओके, बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है, इम्बेक्स। इसका नाम क्या है? इम्बेक्स इसका नाम है, इस बात को और याद रखना। देखो एक और एक्साइज आपको याद करने के लिए यहाँ पर मिल गई। नेक्स्ट, ये ओवरऑल देख सकते हैं लिस्ट है जो अवार्ड दिए गए हैं मोदी जी को। सियोल पीस प्राइज दिया गया था 2018 में ही इनको चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और 2019 में इनको फर्स्ट फिलिप कोटलर प्रेसिडेंशियल अवार्ड से सम्मानित किया था। 2016 में सऊदी अरब ने अपना हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया था किंग अब्दुल अजीज शाह, और 2016 में ही आमिर
आमिर अमनुल्ला खान अवार्ड, जो कि अफगानिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड है, उससे इन्हें सम्मानित किया गया था। फिलिस्तीन जो भी फॉरेन डिग्निटी होते हैं, जो भी उनको ये अपना ये ऑनर देता है, जो कि हाईएस्ट ऑनर है, इसका नाम है ग्रैंड कॉलर ऑफ स्टेट। ठीक है, इस बात को याद रखना। ऑर्डर ऑफ जायद ये यूएई का हाईएस्ट ऑनर है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपिस्टल ये रशिया का हाईएस्ट ऑनर है। और मालदीप का जो था वो ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश रूल ऑफ इजुद्दीन, इससे सम्मानित किया है। तो एक एक नंबर में स्टैटिक भी पूछा जा सकता है कि फलाना फलाना ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इस देश किस देश का है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये सारी चीजों को। इन विच कंट्री 8th एडिशन ऑफ फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप हेल्ड, किस देश में फीफा महिला विश्व कप के 8वें संस्करण का आयोजन रहा था, तो इट वॉज हेल्ड इन फ्रांस, ये फ्रांस में रहा था। पेरिस कैपिटल है, करेंसी यूरो है। अच्छा, फ्रांस की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, CNES है। दूसरा सवाल, ये फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप रहा था, इसका विनर कौन रहा था, इसका विनर रहा था यूएसए, यूएसए के द्वारा इसको जीता गया था। ठीक है, अब देखो इसी फीफा से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं, जैसे इसके प्रेसिडेंट जो दोबारा से चुने गए उनका नाम है ज्ञानी इन्फेंटिनो, हेडक्वार्टर है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। फीफा हैज अपॉइंटेड कतर, फीफा ने क्या किया है कि जो फीफा वर्ल्ड कप 2019-20 में होगा उसमें कतर को अपॉइंट किया है, कतर इसको होस्ट करेगा। 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसे भी कतर होस्ट करेगा। 2026 का जो फीफा वर्ल्ड कप है इसको कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट, ये तीनों ही देश मिलकर होस्ट करने जा रहे हैं। 2020 का जो फीफा अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप है इसकी जो होस्ट कंट्री है वो इंडिया है, ये इंडिया में होस्ट किया जाएगा, इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आई होप सो गाइस यहां तक सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। हु अपॉइंटेड एज एन इलेक्टोरल ऑफिसर फॉर द BCCI एनुअल जनरल मीटिंग, किसको BCCI की वार्षिक आम बैठक के लिए एक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। आंसर बनता है एन गोपाल स्वामी, इनको नियुक्त किया गया है। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र है, और BCCI ने भी हाल ही में चंडीगढ़ को क्या किया है, एफिलिएशन दिया है। चंडीगढ़ की टीम अब जो BCCI के इवेंट है उनमें पार्टिसिपेट कर पाएगी। BCCI ने अभी हाल ही में बेसिकली अगर नॉर्मल हम कहते हैं तो अभी आज मैंने एडिटोरियल भी डिस्कस किया था कि BCCI जो है नाडा के दायरे में आ गया है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर क्यूबेक मॉन्ट्रियल कनाडा, कनाडा के मॉन्ट्रियल में भी क्यूबेक में वाडा का हेडक्वार्टर है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इस बात को और याद रख सकते हैं। किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2019 समारोह का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, इन विच सिटी, भाई इस वाले क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करेगा, बहुत सारे फैक्ट बताऊंगा इससे रिलेटेड। इन विच सिटी द मेन इवेंट ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2019 सेलिब्रेशन वॉज हेल्ड, आंसर बनता है इट वॉज हेल्ड इन रांची, झारखंड के रांची में इसे इनॉग्रेट किया गया। अच्छा, एक चीज और, आज ही मॉर्निंग सेशन में मैंने MCQ में डिस्कस किया था कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू हैज इनॉग्रेटेड या हैज लॉन्च्ड फलाना फलाना स्कीम फ्रॉम रांची झारखंड, इन्होंने एक फलाना फलाना स्कीम को झारखंड के रांची से लॉन्च किया है। इसका नेम क्या है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, मॉर्निंग में ही मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड देखना, इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की बात करें तो 21 जून को ऑब्जर्व किया जाता है 2015 से। 2015 वाला जो इवेंट रहा था वो नई दिल्ली में रहा, 2016 वाला चंडीगढ़ में रहा था, 2017 वाला लखनऊ में रहा था नवाबों के शहर, 2018 वाला देहरादून में, और 2019 वाला इवेंट रांची में रहा है। इस साल थीम रही थी क्लाइमेट एक्शन, इस बात को याद रखना, क्लाइमेट एक्शन इस वर्ष की थीम रही थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए किस देश में गांधी साइकिल रैली फॉर पीस का आयोजन किया गया, टू मार्क दी 150th वर्ष एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, गांधी साइकिल रैली फॉर पीस ऑर्गेनाइज इन विच कंट्री, आंसर इज सऊदी अरब, इसको सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसकी कैपिटल रियाद है और करेंसी रियाल है, इसकी करेंसी यहां पर क्या चलती है, रियाल चलती है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी और करेंसी यहां पर दिरहम चलती है, दिरहम चलती है। जापान की टोक्यो है, करेंसी येन है, ये एक अल्फा एक्स करके एक बुलेट ट्रेन लेकर आने वाला जो सबसे तेज होगी। चीन में SCO का हेडक्वार्टर है और AIIB का हेडक्वार्टर है और NDB का है, NDB का तो संघाई में है और इन दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो बीजिंग में है, बीजिंग में। ठीक है, नेक्स्ट, कैबिनेट सचिव कौन है, हु इज कैबिनेट सेक्रेटरी। अच्छा, पीके सिन्हा साहब ये हैं कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रमोद कुमार मिश्रा ये एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, और इनको सासाकावा अवार्ड भी दिया गया। कौन सा अवार्ड, सासाकावा अवार्ड भी दिया गया। नृपेंद्र मिश्र ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्राइम मिनिस्टर के, और अतनु चक्रवर्ती जरा कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के बताइए, अभी हाल ही में बने हैं, क्या ये इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, अगर ऐसा है तो यस सर, अगर नहीं तो नो सर, और नो है तो मेरे भाई आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में करिएगा फटाफट से। ठीक है,
नेक्स्ट, किसने थाईलैंड के बुरीराम में 47वां किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीता है? हु हैज वॉन द 47 किंग्स कप फुटबॉल टूर्नामेंट इन बुरीराम थाईलैंड। थाईलैंड के बुरीराम में रहा था ये किंग्स कप और इसको जीता है कुराकाओ ने। इंडिया इसमें थर्ड प्लेस पर रहा था, इसलिए इसको मैंने न्यूज फॉर्म में डिस्कस किया था। कुराकाओ की बात करें, इसकी कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है? विलेमस्टेड इसकी कैपिटल है। कैपिटल क्या है इसकी? विलेमस्टेड। और गिल्डर इसकी करेंसी चलती है यहां पर, गिल्डर। वियतनाम की कैपिटल हनोई है और करेंसी है डोंग चलती है। अच्छा, याद होगा आपको यूएसए और जो नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं, इनके बीच में जो पहला समिट रहा था वो सिंगापुर में रहा था और दूसरा समिट जो रहा था वो हनोई में रहा था, हनोई में। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, करेंसी यहाँ पर भट चलती है। करेंसी कौन सी है? यहाँ पर भट चलती है। अच्छा, थाईलैंड के साथ भी भारत की एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है मैत्री। भारत की थाईलैंड के साथ एक एक्सरसाइज होती है। अच्छा, वियतनाम के साथ भी एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम विनबैक्स। अब कुराकाओ के साथ तो कोई नहीं होती, सिर्फ वियतनाम के साथ होती है। किस मंत्रालय ने सेबी के साथ डेटा के आदान प्रदान के लिए एक औपचारिक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? विच मिनिस्ट्री साइंड एन इनफॉर्मल एमओयू विद सेबी फॉर डेटा एक्सचेंज? तो सेबी की सबसे पहले बात कर लेते हैं, आप आंसर करिएगा। सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में। 1992 में स्टैचुरी बॉडी बना। इट इज बेसिकली अ रेगुलेटर ऑफ अ कैपिटल मार्केट। देयर आर टू मार्केट, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो सेगमेंट हैं। मनी मार्केट इज रेगुलेटेड बाई द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड कैपिटल मार्केट इज रेगुलेटेड बाई सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एंड हेडक्वार्टर ऑफ सेबी इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र। एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ सेबी? सो आंसर इज गाइज अजय त्यागी। अजय त्यागी इज द चेयरमैन ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप सो गाइज यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। अच्छा, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री यहाँ पर अपना आंसर बनेगा, बहुत बढ़िया। कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री अपना यहाँ पर आंसर बनता है, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्ट्री। अच्छा, कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर कौन है? हु इज अ फाइनेंस मिनिस्टर प्लस कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर? आंसर बनता है निर्मला सीतारमन। ये कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर है प्लस फाइनेंस मिनिस्टर है एंड शी इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम कर्नाटक। अच्छा, एक और चीज है, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? डिफेंस मिनिस्टर का नाम है राजनाथ सिंह। लखनऊ उत्तर प्रदेश इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। फॉरन मिनिस्टर एस जयशंकर एंड ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम गुजरात। ये गुजरात से राज्यसभा सांसद भी है, गुजरात से यह राज्यसभा सांसद भी है। नेक्स्ट, सारनाथ में चौकड़ी स्तूप के रूप में जाना जाने वाला एक प्राचीन बौद्ध स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा राष्ट्रीय महत्व घोषित किया गया है। सारनाथ नोन एज दी चौकड़ी स्तूप हैज बीन डिक्लेयर्ड टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? यह उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व, नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट एंड इसके अलावा दुधवा नेशनल पार्क, ये सभी लोकेटेड है। उत्तर प्रदेश की अभी नई गवर्नर बनी है, इनका नाम है आनंदीबेन पटेल। इससे पहले ही मध्य प्रदेश की हुआ करती थी, मध्य प्रदेश में लालजी टंडन साहब पहुंच गए और लालजी टंडन साहब बिहार के हुआ करते थे, वहां पर फागु चौहान आ गए, ठीक है। फागु चौहान बिहार के गवर्नर बन गए हैं। महाराष्ट्र के सी विद्यासागर राव हैं, मध्य प्रदेश की बता दिए। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का नाम है भूपेश बघेल, ठीक है। भूपेश बघेल राजस्थान के? अरे नहीं सर, भूपेश बघेल राजस्थान के नहीं है, राजस्थान के नहीं है, भूपेश बघेल नहीं है सर, यहाँ के जो है वो अशोक गहलोत हैं। तो मेरे भाई भूपेश बघेल कहाँ के हैं सर? ये छत्तीसगढ़ के हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ की नई गवर्नर भी बनी, इनका नाम क्या है? हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर कौन है? हरी अब गए, छत्तीसगढ़ के नए गवर्नर कौन है? कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, हु इज द गवर्नर ऑफ छत्तीसगढ़? ओके, ओके, अनुसुईया उइके, बहुत बड़े अनुसुईया उइके वहां की गवर्नर है। नेक्स्ट, ऑन विच बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹2 करोड़ फॉर नॉट डिस्क्लोजिंग इन्फॉर्मेशन ऑन प्रमोटर शेयर होल्डिंग? किस बैंक पर आरबीआई ने प्रमोटर शेयर होल्डिंग के बारे में जानकारी साझा नहीं करने के लिए ₹2 करोड़ का जुर्माना लगाया? आंसर इस कोटक महिंद्रा बैंक पर यह जुर्माना लगाया गया है। कोटक महिंद्रा बैंक, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसकी थीम बनती, जो इसकी टैगलाइन बनती है वो बनती है लेट्स मेक मनी सिंपल। इस बात को याद रखना, यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए चार्जेस लेने वाला ये बैंक भी बना है, इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा देश भारत को गुजरात के लोथल में एक राष्ट्रीय समुद्री विरासत संग्रहालय की स्थापना में सहयोग करेगा?
विच कंट्री विल कोऑपरेट इन द सेटिंग अप ऑफ नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम एट लोथन इन गुजरात। सबसे पहले गुजरात के लोथन में क्या खुलने जा रहा है, नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज म्यूजियम, और इसके लिए सपोर्ट कौन सा देश करेगा, इसके लिए करेगा पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल क्या है, लिस्बन है, और करेंसी यहाँ पर यूरो चलती है। और आपको पता होना चाहिए कि 2020 की जो ओशन कॉन्फ्रेंस रहेगी, यूनाइटेड नेशन ओशन जो कॉन्फ्रेंस रहेगी, वो भी कहाँ पर रहेगी, वो लिस्बन में रहने वाली है। ठीक है, इस बात को याद रखना। गुजरात के गवर्नर का नाम क्या है, जो अभी नए नए गवर्नर बने गुजरात के, उनका नाम है आचार्य देवव्रत। ठीक है, आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, श्रीलंका के साथ भारतीय एक्साइज होती है, इसका नाम है मित्र शक्ति। किसको यूएस चीन संबंधों में योगदान के लिए जॉर्ज एच डब्ल्यू वुश पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जिमी कार्टर को अभी हाल ही में कहा गया है कि जॉर्ज एच डब्ल्यू वुश पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, जो यूएस चाइना रिलेशन है उनको और बेहतर करने के लिए, इसलिए इनको ये सम्मान दिया गया है। किस शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संघाई सहयोग संगठन के प्रमुखों की राज्य परिषद की बैठक में भाग लिया है, इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंडेड दी मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ स्टेट ऑफ संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, यह बिस्केक में रही थी, किर्गिस्तान की कैपिटल बिस्केक, वहां पर यह मीटिंग रही थी। जो SCO के संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड ऑफ स्टेट हैं, उनकी ये मीटिंग रही थी। इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बनती है यहाँ पर, किर्गिस्तान की करेंसी क्या है, कैपिटल इज बिस्केक, करेंसी इज सोम। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है, नूर सुल्तान, करेंसी तेंगे। पहले इसका नाम हुआ करता था अस्ताना, अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है नूर सुल्तान, इस बात को याद रखना। ठीक है, अच्छा, एक होता है तुर्कमेनिस्तान, इसकी कैपिटल एशगाबाद है, करेंसी यहाँ मनत चलती है। एक ताजिकिस्तान, इसकी कैपिटल दुशनबे है, करेंसी यहाँ सोमोनो चलती है। SCO से रिलेटेड एक फैक्ट याद रख सकते हैं, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी, बीजिंग चाइना इसका हेडक्वार्टर है, चाइना के बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है, लोकेटेड है। गाइस, सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ यार लाइक भी करते चलिएगा, ठीक है, लाइक वाइक जरूर करते चलिए। नेक्स्ट मेरे भाई, किस एनआईटी में इसरो ने तृतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उद्वहन केंद्र खोला है, इन विच NIT इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेटअप दी थर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर। थर्ड स्पेस टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ पर ओपन किया गया है, आंसर बनता है यह तिरुचिरापल्ली में ओपन किया गया। कहाँ पर किया गया, तिरुचिरापल्ली में इसे ओपन किया गया। बाकी के दो कहाँ पर है, अगरतला में है एक, और ये अच्छा ऑप्शन मैंने दिया है क्या, अगरतला है याद रखना है, और एक जलंधर, अगरतला और जलंधर यहाँ पर दो ओपन किए गए थे, इस बात को याद रख सकते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्रोग्राम जैसे कि संवाद विद स्टूडेंट, एक है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, युवा विज्ञानी कार्यक्रम, ये यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, और एक है उन्नति। अच्छा, इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सर इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। इसरो के चेयरमैन का नाम क्या है, K7 इसके चेयरमैन है। अच्छा, कोई बता सकता है कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? ओके, अरे गाइस, इसरो की स्थापना कब हुई थी, ओके, उन्नति की फुल फॉर्म कोई बताएगा, उन्नति की फुल फॉर्म क्या है, सर यूनिस्पेस नैनो सैटेलाइट असेंबली एंड ट्रेनिंग बाय इसरो। ओके, इसरो फटाफट से बताओ, इसरो की स्थापना कब हुई थी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, आंसर बनता है 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। किस दिन को विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया गया, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 3 जून को वर्ल्ड बाइसाइकिल डे के रूप में ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड बाइसाइकिल डे वाज ऑब्जर्व्ड ऑन 3 जून, ये 3 जून को ऑब्जर्व किया गया था। किस ऑटो प्रमुख कंपनी ने अपने भारतीय परिचालन के अध्यक्ष के रूप में सिनान ओसकॉक की नियुक्ति की घोषणा की है, विच ऑटोमेजर कंपनी अनाउंस द अपॉइंटमेंट ऑफ द सिनान ओसकॉक एज द प्रेजिडेंट ऑफ इट्स इंडियन ऑपरेशन। आंसर बनता है इट इज अपॉइंटेड बाई दी निसान। निसान ने इंडियन ऑपरेशन के लिए, जो निसान एक कंपनी है जो कि ऑटोमोबाइल कंपनी है बेसिकली, इसने सिनान ओसकॉक को प्रेजिडेंट नियुक्त किया, अध्यक्ष नियुक्त किया है इंडियन ऑपरेशन के लिए। नेक्स्ट, इन विच सिटी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द गगनयान नेशनल एडवाइजरी काउंसिल वॉज हेल्ड। किस शहर में गगनयान राष्ट्रीय सलाहकार परिषद की पहली बैठक आयोजित की गई थी, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 2, इट वॉज हेल्ड इन बैंगलोर, यह बैंगलोर में रही थी। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, उस पर फोकस करना। एक है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर, ये गगनयान प्रोजेक्ट के लिए बनाया गया है, इसको इनॉग्रेट किया था के कस्तूरी रंगन साहब ने, जो कि फॉर्मर चेयरमैन रहे इसरो के, और इन्होंने इसे कहां पर इनॉग्रेट किया, बेंगलुरु में। जो एस उन्नीकृष्ण नायर हैं वो इसके डायरेक्टर बने हैं, बट गगनयान प्रोजेक्ट के जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर, उनका नाम है इनका नाम आर हुट्टन है। ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट बनते हैं एग्जाम के लिए। नेक्स्ट,
वेटरन एक्टर गिरीश कर्नाड हैज पास्ड अवे रिसेंटली इन विच ईयर ही वॉज अवार्डेड विद पद्म भूषण अवार्ड। दिग्गज अभिनेता गिरीश कर्नाड का हाल ही में निधन हो गया। किस वर्ष में उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आंसर बनता है 1992 में इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट मेरे दोस्त, हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू फ्लाई अ हॉर्स जेट एयरक्राफ्ट। भाई इसे भी इंपॉर्टेंट मार्क करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कौन हॉक जेट विमान उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं? आंसर इज मोहना सिंह। मोहना सिंह पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं जिन्होंने हॉक जेट विमान को उड़ाया है, नेक्स्ट मेरे भाई, सूखा प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार भारत का लगभग कितने प्रतिशत असामान्य रूप से सूखा है? अकॉर्डिंग टू द ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम हाउ मेनी परसेंट ऑफ इंडियाज एबनॉर्मली ड्राई? आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, 42% ऑफ इंडिया इज बेसिकली एबनॉर्मली ड्राई। ऐसा मैं नहीं कर रहा मेरे दोस्त, ऐसा कहा जा रहा है ड्रॉट अर्ली वार्निंग सिस्टम के द्वारा, DEWS के द्वारा ऐसा डेटा शेयर किया जा रहा है। नेक्स्ट मेरे भाई, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने इंडस टावर के किस कंपनी के साथ विलय को मंजूरी दे दी है? विद विच कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ इंडस टावर? अच्छा एक चीज़ बताइएगा, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की बेंचेस तो बहुत हैं, बट मेन बेंच कहाँ पर है? आप इसे हेडक्वार्टर नाम दे सकते हैं, बट मैं कहूँगा मेन बेंच कहाँ पर है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की। वैसे आंसर इसका जो बनता है वो बनता है भारती इंफ्राटेल, इसके साथ यहाँ पर कह सकते हैं कि इसने यहाँ पर अप्रूवल दी है इंडस टावर के इसमें मर्जर की, और ये किसके द्वारा दी गई? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा ये दी गई है। नेक्स्ट, आरबी जानकी रमन का हाल ही में निधन हो गया, वह किस केंद्र शासित प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे? आरबी जानकी रमन हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच यूनियन टेरिटरी? ओके फटाफट से बताइए मेरे दोस्त, किस यूनियन टेरिटरी के वह फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे? ओके बहुत बढ़िया, ये थे कहाँ के, ऑप्शन नंबर 4 बनेगा पुडुचेरी के। पुडुचेरी की जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका क्या नाम है? किरण बेदी है। पुडुचेरी की चीफ मिनिस्टर कौन है? तो वी नारायण स्वामी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। वी नारायण स्वामी यहाँ के क्या है? चीफ मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट, आरबीआई ने कॉरपोरेट ऋण के लिए एक द्वितीयक बाजार के विकास पर एक समिति का गठन किया। आरबीआई हैज कॉन्स्टिट्यूटेड अ कमिटी ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी मार्केट फॉर कॉरपोरेट लोन्स, हु इज द हेड? इस कमिटी के हेड कौन रहे? तो TN मनोहरन इसके हेड रहे। दो बैक टू बैक ये कमिटीज बनाई गई थी, जिसमें एक ये रही, दूसरी कमिटी ये थी। आरबीआई ने एक और कमिटी बनाई थी ऑन डेवलपमेंट ऑफ दी हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट, जो हाउसिंग फाइनेंस सिक्योरिटाइजेशन मार्केट है उसके डेवलपमेंट के लिए, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है जो मॉर्टगेज सिक्योरिटाइजेशन के लिए, जो उसको रिव्यू करने के लिए समिति बनाई गई, और जो इसके हेड रहे थे उनका नाम है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इसके हेड थे। तो ये दोनों कमेटी के सिर्फ नाम याद रखने और इनके हेड याद रखने हैं। नेक्स्ट मेरे भाई, तिजानी मोहम्मद बांदे को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया, वह किस देश से थे? तो ही वॉज फ्रॉम नाइजीरिया, वह नाइजीरिया से थे। नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा है, करेंसी यहाँ पर नायरा चलती है। क्या है? नाइजीरिया की कैपिटल अबूजा, करेंसी नायरा। 2023 में एशियाई कप के किस संस्करण की मेजबानी चीन द्वारा की जाएगी? विच एडिशन ऑफ एशियन कप विल बी होस्टेड बाय दी चाइना इन 2023? माय डियर स्टूडेंट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3, जो 18वां एडिशन है एशिया कप का, इट विल बी होस्टेड बाय चाइना, ये चाइना के द्वारा होस्ट किया जाएगा। चाइना की एक चीज और याद रखनी है, भारत की चाइना के साथ एक एक्सरसाइज होती है, इसका नाम है हैंड इन हैंड। मेरा सवाल आपसे यह है कि जो हैंड इन हैंड है वो 2019 में कहां पर होगी? इंडिया और चाइना के बीच में एक एक्सरसाइज, इसका नाम है हैंड इन हैंड, ये 2019 में कहां पर होगी? 2018 में तो ये चाइना के चेंगडू में रही थी, बट अब कहां पर रहेगी? ओके बहुत बढ़िया, ये उमरोई मेघालय, मेघालय के उमरोई में इसको आयोजित किया जाएगा, टेक्निकली मैं एक बार सामने लाएगा। गाइस इट इज नॉट रिकॉर्डेड, ये प्रॉपर सेशन चल रहा है। यहाँ पर हम कमेंट देख रहे हैं, सीमा, सौम्या भाई, रिया वगैरह सभी लोग यहाँ पर हैं, चित्र, रोहित, ठीक है, अंबर भाई, बसंत। तो भाई मेरा पर्पज यहाँ पर सभी को कहना है इट इज नॉट रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन ही चल रहा है। 28 क्वेश्चन तक पहुँच चुके हैं, 12 क्वेश्चन और बाकी है, वो भी यहाँ पर देखेंगे। बट आप लोग शेयर भी करते चला करिए, आज तो मेरा दिल दुख रहा है यार, बहुत कम बच्चे चल, 376 अनएक्सपेक्टेड, बट कोई नहीं, पता नहीं शायद आपको पसंद नहीं आ रहा कंटेंट तो साउंड है, बट फिर भी देखते हैं और मेहनत करेंगे और भैया आपके लिए, क्या पता आप तब जाकर खुश होंगे, ठीक है, तभी आप आएंगे, बट फाइनली यार अगर आप शेयर कर सकते तो और बेहतर रहेगा।
और जितने भी अपने नए स्टूडेंट हैं अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल पर यार प्रेस कर लो। एक बार समझो, अड्डा 247 इसका एक फेसबुक पेज है, उसे लाइक कर लीजिए, वहाँ पर भी हमारी पैरेलल वीडियो चलती हैं, काइंड ऑफ नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, बेसिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उससे आप यहाँ पर भी स्विच कर सकते हैं। तो फेसबुक जो पेज है ना उस पर जाना स्टार्ट करिए, और जितने नए स्टूडेंट आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, विच डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, किस दिन को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। विच डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर एज इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे, किस दिन को हम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। हरी अब गाइज, 3 जून, 4 जून, 5 जून या 2 जून। देखो जून की बात करें तो 1 जून को आता है ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, और 3 जून को आता है वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, वर्ल्ड बाइसाइकिल डे, 4 जून को आता है इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन, और 5 जून को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब मेरा एक और सवाल है, गूगल ही फेंक रहा हूँ आप लोगों के सामने, इसकी थीम क्या रही थी इस साल, इसकी थीम क्या रही थी। ओके ओके, इसकी थीम क्या रही थी, बीट एयर पॉल्यूशन, बीट एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट मेरे भाई, विच डे इज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे फॉर फाइट अगेंस्ट इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, तो ये वाला जो दिन है ना, ये कि किस दिन को अवैध अनियंत्रित अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। सो आंसर बनेगा मेरे दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, यह भी 5 जून को ऑब्जर्व किया गया था। कब ऑब्जर्व किया गया, तो ये भी 5 जून को ऑब्जर्व किया गया था। विच स्टेट विल होस्ट दी, इंपॉर्टेंट मार्क करेगा इस वाले को, विच स्टेट विल होस्ट दी 10th नेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2020, कौन सा राज्य 2020 में भारत के 10वें राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म समारोह की मेजबानी करेगा। आंसर बनता है त्रिपुरा, इसको होस्ट करेगा। त्रिपुरा की कैपिटल क्या है, अगरतला, अगरतला इसकी कैपिटल है। इसकी ओके, इसके चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, विप्लव कुमार देव इसके चीफ मिनिस्टर हैं, और यहाँ के भी नए गवर्नर बने, इनका नाम है रमेश बैस यहाँ के गवर्नर बने हैं। आंध्र प्रदेश के भी बने हैं हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन। वेस्ट बंगाल के भी बने हैं, इनका नाम है जगदीप धनकर, जगदीप धनकर। उत्तर प्रदेश के बनी हैं आनंदीबेन पटेल बनी हैं, मध्य प्रदेश के लालजी टंडन बने हैं, और इसके अलावा एक और था बिहार, हाँ बिहार के फागू चौहान बने, इस बात को याद रखना, ठीक है फागू चौहान। और कोई एडिशनल आपको पता है तो आप यार कमेंट बॉक्स में शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट, किसको 2020 से 2023 तक 4 साल के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन का बाहरी लेखा परीक्षक चुना गया है। हु इलेक्टेड एज एन एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन फॉर 4 ईयर फ्रॉम 2023। जहां तक है गाइज आज की बात कर लेते हैं, तो 600 जो सीरीज है उसमें मैं इतने क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं कि मुझे लगता है कल अपना आखिरी सेशन रहेगा जिसमें कि आपका पूरा का पूरा जून तक का मैं कह सकता हूं करंट अफेयर कवर हो जाएगा। जुलाई के लिए अलग से 100 की सीरीज और लेकर आएंगे, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। आई होप सो आप लोग इसके लिए भी बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो हो सकता है कल अपनी लास्ट क्लास ही रहे इसकी सेशन की, मैं पूरा टोटल काउंट कर लूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं कहना काउंट किया था तब तक मुझे लग रहा था कि 1 या 2 क्लास चाहिए, तो एक और क्लास और चाहिए थी, तो बस एक और क्लास के बाद ये पूरा ओवर भी हो जाएगा। ठीक है, आंसर यहां पर बनता है ऑप्शन नंबर 4, राजीव महर्षि इसके हेड बने हैं यहां पर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। एक्सिस बैंक के अध्यक्ष कौन बने हैं, इसका नाम है राकेश मखीजा, ये एक्सिस बैंक के चेयरमैन बने हैं। एमडी एंड सीईओ का नाम क्या है, एमडी एंड सीईओ का नाम है अमिताभ चौधरी, जो अमिताभ चौधरी हैं ये एमडी एंड सीईओ हैं, इस बात को याद रखना मेरे भाई। नेक्स्ट, ओरछा शहर को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है, तो यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ओरछा टाउन को इंक्लूड कर लिया गया था यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की टेंटेटिव लिस्ट में, और यह कहां पर है, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क भी लोकेटेड है, पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हुआ करता था, अब ये नेशनल पार्क है। बांधवगढ़, काना, माधव, पन्ना, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा वन विहार, ये सभी नेशनल पार्क इसी राज्य में ही स्थित है, एक फ्लो में आपको याद रखने हैं। ब्रजमोहन खेतान का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, ही वॉज दी इंडस्ट्रियलिस्ट, वह एक उद्योगपति थे, ही वॉज दी इंडस्ट्रियलिस्ट, इस बात को याद रखना। अमूल्य सेन का हाल ही में निधन हो गया, वह क्या थे, तो ही वॉज दी माउंटेनियर, वह एक पर्वतारोही थे। जितनी ऑबिचरी आती है उनको वन लाइनर ही याद रखना है। नेक्स्ट, कौन सी भारतीय कंपनी यूएस स्थित इंटरनेशनल टेक ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड का 45 मिलियन अमेरिकी डॉलर में अधिग्रहण करेगी। आंसर बनता है विप्रो। विप्रो जो इंडियन कंपनी है वो यूएस बेस्ड एक इंटरनेशनल टेक्निक ग्रुप है, टेक्निक ग्रुप इनकॉर्पोरेटेड है, आईटीआई है, इसको 45 मिलियन अराउंड 312 करोड़ रुपए में खरीद रही है, एक लाइन में याद रखना इसे भी। विश्व बैंक के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है, कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। अरे अब गैस फटाफट से बताइए कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है।
देखो इंडिया की जो सीएसओ ने ग्रोथ रेट बताई थी 2018-19 के लिए, वो कहा था कि इट वाज 6.8%, यह इतनी थी, प्रोजेक्टेड नहीं इतनी थी, जो लास्ट क्वार्टर रहा था क्वार्टर फोर उसमें 5.8% थी। बाकी क्या है 2019-20 जिस फाइनेंशियल ईयर में चल रहा है इसका भी प्रोजेक्शन चल रहा है और वर्ल्ड बैंक का कहना है इट विल बी 7.5%। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मलपास और ये 13वें नंबर के प्रेसिडेंट हैं और ये यूएसए से आते हैं। कहां से आते हैं मेरे दोस्त? यूएसए से आते हैं, इस बात को याद रखना। किसने सेल्फी विद सैपलिंग अभियान शुरू किया है? किनके द्वारा सेल्फी विद सैपलिंग अभियान शुरू किया गया? बाबुल सुप्रियो, थावरचंद गहलोत, कृष्ण पाल या फिर प्रकाश जावड़ेकर? चार नाम है, चार में से एक आंसर यहां पर बनेगा और आंसर अपना बनता है प्रकाश जावड़ेकर साहब। प्रकाश जावड़ेकर साहब के द्वारा इसको शुरू किया गया था। अब सवाल मेरा आपसे यह है, प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास कौन सा मंत्रालय है, कौन से मंत्रालय? तो सर ये दो मंत्रालय हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है प्लस मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग है एंड ही इज अ राज्यसभा एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र राज्यसभा सांसद भी हैं। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री विल सून लॉन्च एन इनिशिएटिव कॉल्ड दी स्कूल नर्सरी? कौन सा जो मंत्रालय है जो कि एक स्कूल नर्सरी पहल को शुरू करने जा रहा है देश भर में, जिसके अंतर्गत स्कूल किड्स विल प्लांट अ सीड नर्चर दी सैम्पलिंग? कौन सा मंत्रालय पूरे देश में स्कूल नर्सरी नामक पहल का जल्द ही शुभारंभ करेगा, जिसमें स्कूल के बच्चे एक पौधा लगाएंगे और उसकी देखभाल भी करेंगे? तो यहाँ पर अपना आंसर बनता है एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया जाएगा। टेक्निकल टीम स्क्रीन पर लेकर आएगा। ये रहे गाइज आज के 40 क्वेश्चन। कल जब मुलाकात होगी तो कल अपना जहां तक मुझे लगता है आखिरी सेशन रहेगा, जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने एमसीक्यूज बन सकते हैं जुलाई मंथ के उनका डिस्कशन रहेगा। टेक्निकल टीम सुन पा रहे हैं मेरे को? ठीक है, आई होप सो गाइस सेशन पसंद आएगा, शेयर जरूर करेगा और नेक्स्ट क्लास का वेट करिए, नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए शानदार रहेगी। एंड गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।